Thank you, Lordship. भारत के राष्ट्रपति आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाई जी, माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय न्यायमूर्ति श्री टी एस ठाकुर जी, माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ जी, माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ जी, माननीय न्यायाधीशगण, सम्मानित अधिवक्तागण, पत्रकार साथियों तथा अन्य मान्यवर, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ उपस्थित आप सभी मानवों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति महोदय श्री प्रणब मुखर्जी के प्रति आभार जताना चाहूँगा कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला है। माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री टी एस ठाकुर जी के प्रति भी मैं आभार जताना चाहूँगा, जिन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर के आयोजन की गरिमा बढ़ाई है। मैं इस मौके पर श्री राज्यपाल राम नाईक जी, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री जी श्री सदानंद गौड़ा जी और माननीय उच्चतम न्यायालय से पधारे माननीय न्यायाधीशगण का भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर डी वाई चंद्र जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुझे आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश की जनता तथा सरकार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इलाहाबाद शहर का अपना एक प्राचीन और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारद्वाज मुनि के समय से संगम तट पर माघ मेलों और कुंभ मेलों में देश विदेश से लाखों लोग अपनी आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों को लेकर इलाहाबाद में आते रहे हैं। आज भी यह परंपरा जारी है। यहीं हमारे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन भी आए और चीन से विद्वान हंस सिंह भी आए। यहीं अकबर ने संगम तट पर अपना किला बनवाया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी आहुति दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज भी दूर दूर से लोग न्याय की उम्मीद से आते हैं। इलाहाबाद शहर के साथ ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का भी अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। न केवल यह देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है बल्कि यहाँ के विद्वान न्यायाधीशों ने समय समय पर ऐसे ऐतिहासिक फैसले किए जो न्याय और संविधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए। इन फैसलों ने देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया। यह एक सुखद सहयोग है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम करने का मकसद एक ही है, जनहित। हमें हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि संविधान के तहत काम करने वाले तीनों अंगों के बीच हमेशा एक दूसरे का सम्मान करने की भावना के साथ साथ तालमेल कायम रहे ताकि किसी भी दशा में जन कल्याण का कार्य प्रभावित न होने पाए। मेरे विचार से आज आज़ादी के इतने सालों बाद शायद ये समय आ गया है कि शासन और प्रशासन के साथ साथ न्याय की भाषा भी जनता की भाषा ही हो ताकि सत्ता और जनता के बीच की दूरी कम हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायपालिका सुचारू रूप से अपना कार्य तभी संपादित कर सकती है जब उसे सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। यही कारण है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में न्याय विभाग का बजट 1700 करोड़ रुपए से साल दर साल बढ़ाकर 3100 करोड़ रुपए हो गए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की माननीय लखनऊ खंडपीठ की नवीन भवन का निर्माण कार्य पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी सभी आधुनिक सुविधाओं वाला यह भव्य और आकर्षक भवन बनकर तैयार हो गया है, जहां राज्य सरकार ने 15 लाख युवक युवतियों को निःशुल्क लैपटॉप बांटा और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को ऑनलाइन किया। वहीं राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के अभिलेखों और पत्रावलियों के डिजिटलाइजेशन में पूरा सहयोग दिया। अधिवक्ता हमारे देश के न्याय व्यवस्था का अहम अंग है। आम जनता को सहज एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए बेहद खास अहम भूमिका होती है। इसे राज्य सरकार अधिवक्ताओं की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयासरत है। इसे समाजवादी सरकार ने सालों पहले प्रदेश के लगभग सभी जनपदों तहसीलों में अधिवक्ताओं और
वादकारियों की सुविधाओं के लिए अद्वक्ता चैम्बर्स के लिए धनराशि मुहैया कराई थी। अधिवक्ताओं के कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रुपये का कापस फंड बनाने का फैसला लिया है। अधिवक्ताओं का निधन होने पर उनके परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। नौजवान अधिवक्ताओं को वित्तीय मदद देने के लिए 10 करोड़ रुपये का कॉपस फंड गठित किया जाएगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अपनी संबंधित जिम्मेदारियों को सजगता से निभाता आया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि माननीय उच्च न्यायालय की यह गौरवशाली परंपरा आने वाले समय में भी इसी तरह कायम रहेगी। मैं इस अवसर पर मैं भरोसा दिलाना चाहूँगा कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और संस्थानों को बढ़ोतरी के लिए भविष्य में भी प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। आप सभी ने मुझे यहाँ अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री श्री सदानंद गौड़ा जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय डीवाई चंद्रचूड़ जी, उच्च न्यायालय की 125वीं वर्षगांठ आयोजन समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री तरुण अग्रवाल जी, इस विशाल सभागृह में आसनस्थ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल तथा इस उच्च न्यायालय के ज्येष्ठ अधिवक्ता केशरीनाथ त्रिपाठी जी, उच्च न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पर पधारे हुए सभी न्यायमूर्तिगण, विशिष्ट अतिथिगण के आज से एक साल जो विचार विनिमय होगा उसके कारण न्याय प्रक्रिया की केवल उत्तर प्रदेश की नहीं तो सारे देश की प्रक्रिया में एक परिवर्तन हो सकता है। ऐसा परिवर्तन करने का हम विचार करें और भी कुछ कहना है और वो कहते समय मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे बाद में राष्ट्रपति जी का हमें संबोधन सुनना है। राष्ट्रपति जी की जो कृतियाँ होती है, उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनका जो वक्तृत्व होता है, मैं मानता हूँ कि आज देश के आम आदमी से लेकर जो उच्च पद पर है सबके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत होते हैं और मैं तो उनको देश के लिए एक दीप स्तंभ के नाते देखता हूँ। ऐसा भाषण हम उनका सुने, मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।